गुलाम साहब वस्तानवी, आपको भी इश्क हुआ, आपको इश्क हुआ है मसाजिदों से, मदारिसों से, मकतबों से, तो आपने किया क्या इश्क हुआ? तो आपने 7000 मसाजिद बनाए। कितने बनाए लड़कियों, जवाब दो कितने हैं? आज नौजवानों, बिग बॉस में कौन हीरो बने हैं, किसको अवार्ड मिला है, ये सबको पता है, लेकिन मौलाना गुलाम साहब वस्तानवी को जानते हैं कितने मसाजिद बनाए? ये नहीं जानते, आपका एरिया नहीं है ये। जवाब दें जोर से, कितने बनाए आपने? अरे जोर से बोले, 7000। आज के दौर में एक घर भी नहीं बना सकते, 40-40 साल मेहनत करते हैं लोग, किराए के घर में रहते हैं कि नहीं रहते हैं, जिंदगी कट जाती है, काले बाल सफेद हो जाते हैं, सफेद बाल झड़कर सर पर कुछ नहीं है, जिंदगी कट गई, लेकिन एक दो कमरे का घर नहीं बना पा रहा है। आज इतने मुश्किल जमाने में आपने 7000 मसाजिद बनाए, माशाल्लाह 700 से ज्यादा आपने मदारिस बनाए, 2500 मकतब चल रहे हैं, एक आलिम दीन ने MBBS कॉलेज भी बनाया, द फर्स्ट स्कॉलर ऑफ इंडिया, बल्कि मैं कहता हूं एशिया के, शायद एशिया क्या वर्ल्ड का कहना चाहिए मुझे, इस रूहे जमीन पर ये पहले आलिम दीन है जिन्होंने मेडिकल कॉलेज कायम किया है। एक साल भी अगर मेडिकल कॉलेज का परमिशन नहीं मिलता है, लोग सुसाइड कर लेते हैं ओनर्स, इतना बड़ा नुकसान होता है, 100-200 करोड़ का नुकसान हो जाता है। आप डीएड, बीएड, एमएड कॉलेज चलाते हैं, डी फार्म, बी फार्म, एम फार्म कॉलेज चलाते हैं, आप MBBS, आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस, यू नेम इट, दे हैव इट, दे आर रनिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, माशाल्लाह। कौन? मौलाना गुलाम साहब वस्तानवी, माशाल्लाह। कोई ऐसी शख्सियत दूसरी दिखाए मुझे जो मदरसों पर फिर मॉडर्न एजुकेशन पर बैलेंस्ड होकर काम कर रहे हैं, तब जाकर उनको लकब मिला है खादिमुल कुरान वल मसाजिद। 850 करोड़ लोग भी अगर अल्लाह से शिकायत करे गुलाम साहब की, रोजे कयामत में वो मस्जिद के दीवारें आवाज उठाएंगी अल्लाह के पास में, या अल्लाह इन्हें जन्नत में भेजना। कौन गवाही देंगे? वो मस्जिद की ईंटें, एक एक ईंट आवाज देगी इंशाल्लाह, कुरान के एक एक पन्ने जवाब देंगे कि इन्होंने अपनी जिंदगी सर्फ कर दी है, तभी जाकर इनको लकब मिला है कादिमुल कुरान वल मसाजिद, माशाल्लाह। और आपको इतना इश्क मस्जिदों से, मदरसों से, अभी हाल में इतना बड़ी बीमारी से गुजरे हैं, बहुत सीरियस, लोग उम्मीद हार चुके थे, किडनीज फेल, हार्ट पूरा वीक, ऑपरेशन करने लायक नहीं, सारे डॉक्टर्स ने कह दिया कि इनको किडनी अभी ट्रांसप्लांट करना जरूरी है वरना जान जा सकती है। लाखों लाखों मदारिस के बच्चों ने दुआ की, वो दुआ कबूल हुई, तो आज वो बाहयात है माशाल्लाह। हजारों असातेजा आज दुआ किए तो वो आज बाहयात है। ऐसे सीरियस, बिल्कुल मौत को छूकर जो आते हैं ना, आते ही डिस्चार्ज हुए, रमजान का महीना, एक हफ्ते में 3 दफा डायलिसिस, कितनी दफा जरा जोर से बोलें, 3 दफा डायलिसिस, इतने वीक हो गए जो देखते तो आप पहचानते नहीं ये गुलाम साहब ही है। अब थोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर किए, जब बॉम्बे के सैफी हॉस्पिटल से घर, वीडियो बड़ी वायरल हुई, सबने देखा होगा ना, एयरप्लेन से घर पर ले आया गया, इतने वीक थे, और इमीडिएट रमजान का महीना आया, और मैं वहीं रमजान पूरा एक महीना रहकर उलमा को अंग्रेजी सिखा रहा था। पूरे 30 दिन मौलाना ने रोजे रखे माशाल्लाह, सिर्फ रोजे नहीं रखे, आखिरी 10 दिन आपने एतिकाफ भी ऑब्जर्व किया माशाल्लाह। हट्टे कट्टे पहलवान है आज सिक्स पैक्स के, एतिकाफ मालूम भी नहीं है उनको क्या है, ये बीमार है, हफ्ते में 3 दफा किडनी के प्रॉब्लम की वजह से आपको डायलिसिस से गुजरना पड़ रहा है, हार्ट की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, बीमारियां कितने हैं, उस बीमारियों की हालत में 30 रोजे आप रखे हैं, उस बीमारी के कंडीशन में, डायलिसिस के कंडीशन में 10 दिन आपने एतिकाफ, 30 दिन आपने तरावी पढ़ी है, आज कितने नौजवान हैं सिर्फ 500 के बिजनेस की वजह से रोजा छोड़ रहे हैं कि मैं रोजा रखूं तो बाजार में मेहनत नहीं कर सकता, 1000 रुपए के मुनाफे की वजह से तरावी छोड़ दे रहे हैं, सिर्फ 1000 रुपए, रात में वो 2 घंटे अगर दुकान खुली रखता है तो उसको 1000 या 2000 रुपए मिलते हैं, गोया महीने में 60000 का मुनाफा आ रहा है, सिर्फ 60000 के लिए उसने तरावी को तर्क कर दिया है। आज अहद कर ले आने वाले रमजान में इंशाल्लाह, जितने अल्लाह के बंदे मेरी आवाज सुन रहे हैं कहें इंशाल्लाह आप लोग सब तरावी पढ़ेंगे, सब पूरे 30 रोजे रखेंगे इंशाल्लाह,
पूरे डॉक्टर्स एक्सपर्ट्स टीम वहां पर बैठी हुई मना कर रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं अगर नहीं रखूंगा तो मर जाऊंगा। सुभान अल्लाह, क्या देखे डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, अगर आप रोजा रखेंगे तो आप मर जाएंगे वीकनेस की वजह से। पूरे डॉक्टर्स को ये जवाब क्या दे रहे हैं, अगर मैं रोजा नहीं रखूंगा तो मेरी मौत आ जाएगी फिर, क्योंकि मैं जीते जी ये तस्वीर भी नहीं कर सकता कि मैं जिंदा हूं, रमजान का महीना चल रहा है और मैं रोजा छोड़ रहा हूं। इसे इश्क कहते हैं अल्लाह से, इसे इश्क कहते हैं इस्लाम से।